तो व्हाट्स अप गाइस, यू गाइस आर वाचिंग अवर स्ट्रेंथ इन पावर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पोल में बोला था कि मैं ऑब्लिक्स पे वीडियो लाऊंगा, तो गाइस ये वीडियो आ गई है। एंड गाइस, ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ आप मेक श्योर करना आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उस वीडियो को देख सकें। एंड गाइस, जो सेकेंड वीडियो है वो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आप उस वीडियो को मिस मत करना, मैं उस वीडियो को जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड उस घंटे के बटन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, हमारी पहली एक्सरसाइज है साइड क्रंचेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको क्रंचेस करने हैं ऐसे, जैसे कि मेरे पैर साइड में है। एंड गाइस, मैं एक साइड पूरा लीन हो जाता हूँ क्रंच करने से पहले। इससे क्या होता है कि जो आपके ऑब्लिक्स होते हैं उस पर अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। एंड गाइस, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। एंड गाइस, आपको जब स्ट्रेच आता है, जब आपका फासिया स्ट्रेच होता है, तो गाइस उसमें और ब्लड आता है और आपको काफ़ी अच्छा पंप मिलता है। एंड गाइस, ऐसे करने से आपके रेप काउंट्स कम हो जाएंगे। अगर मान लो पहले 50 करते हैं तो आप 20 ही कर पाएंगे, बट गाइस हमें अभी इसमें रैप नहीं करने हैं, हम इसमें इसको एज अ सर्किट ट्रेनिंग करेंगे। आप इन सबको एक ही रैप सेट बना लीजिए। एंड गाइस, हर एक्सरसाइज को 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 20 सेकंड करना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, और ईच साइड 20 सेकंड करना है एंड फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 20 सेकंड करना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है साइड ब्रिजेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसी पोजीशन में आना है। तो गाइस, ये करने के दो तरीके हैं, ये बिगनर्स का है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसे ब्रिज बनाना है, साइड ब्रिज, एंड देन आपको डिप करना है, फिर ऊपर आना है, फिर डिप करना है। तो गाइस इसको सेम तरीके से करना है आपको। एंड गाइस, इसमें जो दूसरा तरीका है वो एडवांस तरीका है। तो गाइस, इसमें भी सेम है, आपको 20 सेकंड करना है, देन 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड करना है। एंड गाइस, फिर साइड चेंज। फिर गाइस, ये है हमारी एल्बो टू नी। एंड गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको अपना लेग उठाना है, अपने पैर से एल्बो से टच करना है। तो गाइस, इसमें भी आपको 20 सेकंड तक करना है एक साइड, फिर रुकना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर करना है। एंड गाइस, फिर चेंज करना है आपको। तो गाइस, ये सारी एक्सरसाइज एक ही साथ करनी है ताकि एज अ सर्किट ट्रेनिंग आपको ये करना है। फिर गाइस, जैसे हमने चेंज किया, फिर हम इसको 20 सेकंड करेंगे, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, फिर 20 सेकंड करेंगे, यानी 20 20 40, और फिर उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट, यानी एक मिनट में एक साइड पूरी कंप्लीट करनी है हमको। एंड गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, जो मेरा नी है वो मैं अपने पूरे एल्बो से टच कर रहा हूँ। तो गाइस, ऐसे ही आपको करना है। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइस, ये है हैंगिंग साइड ऑब्लिक्स क्रंचेस। तो गाइस, बाकी सारे एक्सरसाइज में आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट गाइस इसमें थोड़ी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी चीज़ की, क्योंकि इसमें आपको लटकना पड़ेगा। तो गाइस, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लटक के आपको साइड क्रंचेस काइंड ऑफ करने हैं आपको। एंड गाइस, इसमें भी सेम है, आपको 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसी पोजीशन में आना है एंड देन आपको हाथ उठाना है। हाथ, सिर्फ आपको हाथ नहीं उठाना, अपने टोर्सो से, अपने पेट से आपको ट्विस्ट करना है, ना कि सिर्फ अपना हाथ उठाना है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा क्या नहीं करना, बस ये नहीं करना है आपको, जो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको पूरा पेट से ट्विस्ट करना है। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड जैक नाइफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस पहली वाली एक्सरसाइज में सिर्फ एक घुटना उठ रहा था, इसमें पूरे घुटने उठ रहे हैं, आपको क्रंच कर रहे हैं। एंड गाइस, इसमें भी सेम तरीका है, 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट है, फिर 20 सेकंड करना है, फिर साइड चेंज करनी है, फिर 20 सेकंड, फिर 10 सेकंड रेस्ट, फिर 20 सेकंड करना है। देन गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारी पिट फ्लोर वाइपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बिल्कुल नीचे ले जाना है, देन फिर एकदम से उठाना है, फिर साइड में जाना है, फिर देन उठाना है। एंड गाइस, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके ऑब्लिक्स के लिए। इसमें भी सेम है, 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड, फिर 10 सेकंड करें। ये है गाइस रोटेशन माउंटेन क्लाइंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको जोन सा नहीं, आप आगे बढ़ाएंगे उसको अपोजिट साइड के एल्बो से टच करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पोजीशन में आके गाइस, बहुत ही टफ एक्सरसाइज है।
एंड गाइस बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसमें भी सेम आपको 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट। तो गाइस ये जो वर्कआउट है ये काइंड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग है, जैसा कि सर्किट ट्रेनिंग में होता है। और उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे एक्सरसाइज या सेट्स को एक साथ करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज को। एंड गाइस उसमें आपकी कैलोरीज अच्छे खासे अमाउंट में बर्न होती है। एंड गाइस एज अ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी आप उसको कह सकते हो। तो गाइस ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है, तो गाइस प्लीज़ आप मेक श्योर करना, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी वो वीडियो आएगी तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एंड गाइस जो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो घंटे का बटन दिया है उसको प्लीज़ दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत आपके ईमेल में। एंड गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लॉट्स ऑफ लव, अल्फा स्ट्रेंथ एंड पावर, साइनिंग आउट।